विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों में दो चीजें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया से भाग के यूके पहुंच गए हैं। पर ये तीन ही नहीं है जो यूके भागे हैं, बल्कि आज तक 5,500 से ज्यादा इंडियन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर यूके में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं। कहने के लिए तो यूके और इंडिया के बीच में 1992 से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंडर अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर को वापस लाना चाहे तो प्रोसीजर फॉलो करके वो ऐसा कर सकती है। बट 1992 से आज तक सिर्फ एक ही आदमी वापस आया, जिसका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल। दरअसल जब ये फ्रॉडस्टर इंडिया से भागते हैं तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है, अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2 मिलियन पाउंड हो। और अगर ये 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर दें तो यूके गोल्डन वीजा ही मिल जाता है। इसके अलावा यूके में ह्यूमन राइट्स के स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, जिसकी वजह से ये क्रिमिनल्स काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल्स के यूके आने से यूके के बैंक में काफी बड़ा पैसा आता है और यूके का वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक फैसिलिटेट करता है।